रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की मां से मुलाकात की है। बिल्कुल, और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को दोहराया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरा रूसी नेतृत्व सैनिकों के परिवार के साथ है। हालांकि इस मुलाकात पर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। ये पुकार, ये पीड़ा, बेचैनी इन रूस की महिलाओं के दिल में घर कर गई है। बेटों के युद्ध में जाने के बाद से इनकी नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में इनके नौनिहालों को झोंक दिया गया है और सवाल राष्ट्रपति पुतिन से हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि रूस के राष्ट्रपति से ये महिलाएं सुलगते सवाल कर रही हैं? दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ महिलाओं के साथ मुलाकात की, जिसको लेकर ये कहा गया कि ये वो माएं हैं जिनके बेटे युद्ध में रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं, जो वार में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इस मुलाकात में शामिल महिलाओं ने पुतिन से आसान सवाल पूछे। वहीं इस मीटिंग में पुतिन ने ये दावा किया कि कभी कभी वो रूस के सैनिकों से सीधे फोन पर बात करते हैं। Я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, я по телефону говорил напрямую, с ребятами прям. Но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Вот. Дают мне полные основания говорить о том, что они герои. Это правда. इस बैठक के बाद कई सवाल खड़े होने लगे। वहीं उन महिलाओं को भी पहचान लिया गया जो पुतिन के करीबी हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इनमें ज्यादातर महिलाएं युद्ध में मारे गए सैनिकों की मां नहीं हैं, बल्कि पुतिन की वफादार हैं। अबाकाम की नादेज़्वा उजानोवा की भी पहचान हुई, जो पुतिन के साथ एक वीडियो में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जो एक सैन्य अधिकारी की पत्नी बताई जा रही हैं। वहीं एक और महिला इरीना तसउल भी पुतिन के साथ बैठक में दिखाई दी, उन्हें भी पुतिन का वफादार बताया गया। यूलिया बेलेखोवा को भी पहचान लिया गया है, हालांकि उनका बेटा युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहा है। वहीं जरदत अगोयेवा नाम की महिला भी इस मुलाकात में नजर आई, हाल ही में जिनकी तारीफ रमजान कादरीफ कर चुके हैं। इस बैठक को लेकर पुतिन विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपने देश में 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि इनमें 87,000 सैनिकों को यूक्रेन में तैनात भी कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, भीषण युद्ध जारी है। रूस की जनता से पुतिन ने जो वादे किए थे वो अभी पूरे नहीं हो रहे हैं। अब रूस के लोगों का सब्र जवाब दे रहा है, पुतिन से सवाल हो रहे हैं।